एक ही रेट तो होना चाहिए बिजली का हर राज्य में, कि भाई बिजली का अभी कोई कोई मांग कर देते हैं तो हम लोग तो बोलते ही है शुरू से कि पूरे देश के हर राज्यों को एक ही दर मिलना चाहिए, उसमें देना पड़ता है 40% या 50%, और राज्य की तो अपनी योजना जो है हमको करना है, तो वो समय पर पैसा मिल न जाना चाहिए। अब जो राज्य सरकार कहीं कहीं वसूली करता है तो तुरंत होकर के आता है कि भाई अब राज्यों को इसको छोड़ देना चाहिए, तो राज्य अगर कुछ चीज का वसूली नहीं करेगा तब तो इसके बाद राज्य को तो कोई पैसे नहीं रहेगा। जिन्हें बजट पेश कर दिया है तब कितना ज्यादा बजट की भी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हर तरह से और विकास का काम हो जाए, लोग आगे बढ़े, तो इसके लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्र की कोई योजना आती है तो अपना जो हिस्सा है अब आप सोच लीजिए, उसमें देना पड़ता है 40% या 50%, और कहा जाता है केंद्र की योजना है, अर्थात केंद्र की योजना है तब पहले भी किसी चीज में कम पैसा राज्य का लगता था, आजकल धीरे धीरे बढ़ गया, और राज्य की तो अपनी योजना जो है हमको करना है, तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो हम लोगों की मांग है उसको मानना चाहिए था, तो नहीं फिर भी मान रहे तो भाई आप ही लोगों को चाहिए। और दूसरी बात है, जो केंद्र के द्वारा पैसा वसूला जाता है तो उसका एक हिस्सा ना है जी, तो 15वीं रिपोर्ट के हिसाब से 42% है ना राज्यों का, तो 42% जो राज्यों का है तो अलग अलग राज्यों का जो हिस्सा बना हुआ है तो वो समय पर पैसा मिल ना जाना चाहिए। अब उसमें भी पता है इनको ही बताएंगे अपना, अब उसमें भी देर होता है। अरे तो जो राज्य का ही खाली केंद्र का नहीं ना है, पूरे देश का पैसा है तो केंद्र सरकार के पास रहना है 68% या 42% रहना है राज्यों में कुल मिला के, अलग अलग राज्यों को कितना मिलना वित्त है तो वो भी मिलना ना चाहिए भाई समय पर। अब बाकी तो अपनी तरफ से जो हम लोग काम कर रहे हैं कर ही रहे। अब जो राज्य सरकार कहीं कहीं वसूली करता है तो तुरंत होकर के आता है कि भाई अब राज्यों को इसको छोड़ देना चाहिए, तो राज्य अगर कुछ चीज का वसूली नहीं करेगा तब तो इसके बाद राज्य को तो कोई पैसे नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, तो कैसे विकास का काम होगा। तो अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही, तो हम लोग तो अपना हाँ आज जीएसटी ठीक ही कह, तो हम लोग तो बोले ही हैं कि भाई बिजली का अभी कोई कोई मांग कर देते हैं तो हम लोग तो बोलते ही है शुरू से कि पूरे देश के हर राज्यों को एक ही दर मिलना चाहिए, और इसके लिए केंद्र में भी रखा गया है। आज जब मीटिंग होती है तो हमारे मंत्री जी भी जाते हैं तो उसमें इस बात को कहते हैं, तो हर राज्य के लिए तो एक ही दर होना चाहिए, तो वन नेशन वन रेट होना चाहिए पूरे हर राज्य का, तो एक ही दर होना चाहिए सबके लिए। तो हम लोगों को राज्य में जानते हैं ना बिहार में हम लोगों को पैसा ज्यादा लगता है, अब बाकी जगह पर कई विकसित राज्य है उसको पैसा कम लगता है, तो हम लोग अविकसित हैं हमको ज्यादा पैसा लगेगा, अविकसित राज्यों को कम लगेगा, तो इससे क्या मतलब है बोलिए। तो सबको अगर बराबर हो जाए तभी ना सब बराबर ठीक होगा, लेकिन अब इस सब चीज को तो हम लोग बोलते रहते हैं, तब तो भाई मीडिया वालों को भी प्रणाम, वो तो करेंगे क्या, उन पर तो ऐसा ना कब्जा कर लिया है केंद्र सरकार कि अब बेचारे क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरा बात एक बार बोल देंगे और उसका कहवे नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर करें तो आप जरा खुद सोचिए ना कि एक ही रेट तो होना चाहिए बिजली का हर राज्य में, केंद्र सरकार का भी होता है। नहीं, अरे वो तो अभी आपको बता दिए, आप सुने नहीं, अब जो आपको बता रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर है तो वो सब चीज रहेगा, तो उसके बाद इसकी कोई जरूरत ही नहीं आएगी। तो आप लोग जो हम बता दिए हैं उसके बारे में भी अब हमारा बतवे नहीं सुन रहे, अब वो देख लीजिए, अब वो दूसरा से बतिया रहे, हमारा बतवा सुनिएगा तब ना, तब जो प्रीपेड मीटर जो हम बता दिए अब वही रहेगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा। और जिसकी भी शिकायत है कि उसको ज्यादा पैसा लग गया उसका जांच हो रहा है, और जांच करने के बाद अगर उसके ऊपर अन्याय हुआ है तो उसको माफी तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन कोई गड़बड़ दिया है तो उस पर भी डिपार्टमेंट